Hello students, welcome back on Mohari Devi Thapadiya Girls College YouTube channel. In this class, I am going to explain a very important poem, Elegy Written in Country Churchyard. And this is the 10th video on this particular topic, Elegy Written in Country Churchyard. This poem is written by Thomas Gray. Thomas Gray was a great poet of Graveyard School of Poetry. Graveyard School of Poetry is a group of some poets. They are written on the dunes and they are written on inspiration, graveyard, churchyard, etc. So students, this is the 10th video on this poem, Elegy Written in Country Churchyard. आपने अभी तक इसके 9 वीडियो देख लिए हैं. फर्स्ट टू 9 आपने देख लिए होंगे और नहीं देखे तो आप उनको देखें, उसके बाद ये 10th वीडियो देखें, तभी आपको समझ आएगा. ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है. इसमें दिखाया गया है कि जो एक गांव के लोग हैं उनकी लाइफ कैसी रहती है, सिटी के लोगों की लाइफ कैसी रहती है, पुअर लोगों की लाइफ कैसी रहती है, रिच लोगों की लाइफ कैसी रहती है. मींस उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है, कैसे गांव के लोगों का एक्सप्लोइटेशन होता है, कैसे उनके पास लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, उनको कहीं भी चांस नहीं मिलता खुद का टैलेंट दिखाने का, और वो एक रेगिस्तान में उगे हुए फूल के समान अपना टैलेंट सारा गांव में ही जो है ख़त्म कर देते हैं, मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और वो अपना टैलेंट कभी भी अपनी लाइफ में शो नहीं कर पाते. सो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन दिखाई गई है. उसके बाद ये भी बताया गया है कि जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा खुश और ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं कंपेयर सिटी पीपल, है ना. उनके सिटी पीपल से अगर उनका कंपेयर करें तो गाँव के लोग जो है ज़्यादा खुश नज़र आते हैं. उसके अलावा ये दिखाया गया है कि और तो और ग्रेवयार्ड में भी डिस्क्रिमिनेशन है, कि चर्च यार्ड में भी डिस्क्रिमिनेशन है, कि जो गांव के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी कब्रों को जो है बाहर चर्च यार्ड के बाहर बनाया गया है, और जो पैसे वाले लोग हैं उनकी कब्रों को चर्च यार्ड के अंदर बनाया गया है. उनकी कब्रों पे बहुत सुंदर सुंदर इंस्क्रिप्शंस, एपिटाफ लिखे गए हैं, जबकि गाँव के लोगों पर एपिटाफ नहीं लिखे गए हैं. और हर इंसान की, चाहे वो गाँव का हो या पैसे वाला हो, गरीब हो, पर कम से कम इतनी इच्छा तो रह जाती है कि मरने के बाद उसके सम्मान में दो शब्द उसे लोग कहें या उसको याद करें. इतनी इच्छा तो गांव वालों के भी रह जाती है. लास्ट में हम पढ़ रहे थे कि हमारा जो पोएट है वो खुद ही स्पीकर है, वो यहाँ खुद के बारे में बता रहा है कि मैं भी ये चाहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो कोई मेरी ग्रेव के पास कोई राहगीर ऐसा गुजरे जो मेरी ग्रेव के बारे में इंक्वायरी करे कि ये कौन है, ये किसकी ग्रेव है, और कोई गाँव का फार्मर या कोई भी शेपर्ड उसे बताए कि यहाँ एक पोएट दफनाया गया है. और जो पोएट दफनाया गया है वो बहुत ही टैलेंटेड पोएट था, और मैं उसको जो है उस टाइम देखता था जब वो सुबह के टाइम में सनराइज़ को देखने के लिए हिल पे जाता था. उसके अलावा वो अपनी फेवरेट ट्री, बीच ट्री के नीचे लेटा हुआ रहता था, या फिर नदी में वो जब पानी की कलकल चल रही होती थी तब वो वहाँ रहता था. सो ये सब चीज़ें हैं जो दिखाई गई है. उसके अलावा हम देखते हैं आज की जो लाइन्स हैं उनको मैं आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ. सो अब देखिए, वन मोर आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल अलोंग द हीथ एंड नियर हिज फेवरेट ट्री. अनदर केम नॉर येट बिसाइड्स द रिल नॉर अप द लॉन नॉर एट द वुड वॉज ही द नेक्स्ट विद डायर्ड्स ड्यू इन सेड अरे स्लो थ्रू द चर्च वे पाथ वी सो हिम बोर्न अप्रोच्ड एंड रीड फॉर दाउ कांस्ट रीड द ले ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बिनिथ योन एज्ड थॉर्न. दीज आर द लाइन्स फ्रॉम एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चर्ड. ये इसका लास्ट स्टेंजा है, ये इसकी लास्ट कुछ लाइन है, उसके बाद जस्ट एपिटाफ आ जाता है. सो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोल रहा है पोएट की अगर मेरे बारे में कोई बात करे तो फिर जो फार्मर है वो ये भी बोलेगा, वन मॉर्न एक सुबह के टाइम, एक मॉर्निंग में आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल. जब वो सनराइज़ को देखने के लिए कस्टम्ड हिल पे जाया करता था तो एक सुबह मैंने उसे नहीं देखा वहाँ जाते हुए. अलोंग द हीथ एंड नियर हिज फेवरेट ट्री, ना ही मैंने उसे किसी वुड पे देखा या किसी फेवरेट ट्री पे देखा. अनदर केम, अनदर डे भी आया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मॉर्निंग भी आई. Nor yet besides the rill, और ना ही उसे किसी नदी के पास देखा गया. Nor up the lawn, ना ही उसे किसी lawn में देखा गया. Nor at the wood was he, ना ही उसे किसी जंगल में देखा गया जहाँ वो था. The next with digers due in said array, हाँ उसे next day देखा गया. With digers means जो songs होते हैं funeral पे गाए जाने वाले शोक गीत, जिसे बोल सकते हैं हम शोक गीत के साथ. Due in said array, said array means जो इसमें डेड बॉडी को ले जाया जाता है
वो उसमें बैठा हुआ था, वो उसमें लेटा हुआ था, और विद डाइजर्स सैड सॉन्ग के साथ उसको ले जाया जा रहा था स्लो थ्रू द चर्च वे पाथ वी सो हिम बोन, और स्लोली स्लोली उसे ले जाया जा रहा था चर्च वे पाथ पे, चर्च के मतलब एक तरह से चर्च के पाथ पे ले जाया जा रहा था उसे, मेन रोड से चर्च की ओर ले जाया जा रहा था। वी सो हिम बोन अप्रोच एंड रीड, हमने उसे वी सो हिम, हमने उसे वहीं देखा जब उसको ले जाया जा रहा था। बोन अप्रोच एंड रीड फॉर दाउ कांस्ट रीड द ले, और ऐसा कह के जो इंसान मेरी इंक्वायरी करेगा उसको वो फार्मर कहेगा कि हमने उसे कहीं भी नहीं देखा था, एक दिन मॉर्निंग में ना ही वो कस्टम हिल पे दिखाई दिया, ना ही वो अपने फेवरेट ट्री पे दिखाई दिया, ना ही वो किसी नदी के पास किसी ब्रूक के पास दिखाई दिया, ना ही वो लॉन में दिखाई दिया, ना ही वो किसी वुड में दिखाई दिया, कोई जंगल में दिखाई दिया। हाँ, हमने उसे देखा विद फ्यूनरल सॉन्ग, ठीक है, नेक्स्ट डे हमने उसे फ्यूनरल सॉन्ग के साथ देखा, और विद अरे, सैड अरे का मतलब एक ऐसी गाड़ी में देखा जो सैड, बिल्कुल सैड एटमॉस्फेयर था, उसको ले जाया जा रहा था स्लोली थ्रू द चर्च वे पाथ, जहाँ से चर्च वे का रास्ता जाता है। वी सो हिम बॉर्न अप्रोच एंड रीड, हमने उसे देखा था, फिर वो उस आदमी को जो मेरी इंक्वायरी कर रहा है उसको अप्रोच करे कि तुम पढ़ो, फॉर दाउ कांस्ट रीड, जो उसका क्या है एपिटाफ है, जो पोएट के लिए एपिटाफ लिखा गया है उसको पढ़ने के लिए जो फार्मर है वो इंक्वायरी करने वाले को अप्रोच करेगा कि तुम उसको पढ़ो। द ले ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बेनेथ यू एज्ड थॉर्न, कि देखो एज्ड थॉर्न मतलब बूढ़ा जो कांटों का पेड़ है, बड़ा जो बड़ा सा कांटों का पेड़ है उसके नीचे जो स्टोन है ना बेनेथ स्टोन, उस पे उसकी ग्रेव बनी हुई है पोएट की, और उसमें उसका एपिटाफ लिखा गया है वो तुम पढ़ो, वो देखो वो जो जिसके बारे में तुम इंक्वायरी कर रहे हो वो, पहले तो उसने उसके बारे में सब कुछ बताया कि हमने उसे जो है हम देखते थे कि वो सनराइज को देखने के लिए किसी पहाड़ी पे चढ़ जाया करता था, वो नदी जो नदी के किनारे देखा गया था, या फिर वो अपने बीच ट्री के नीचे देखा गया था, ये सब चीज़ें उसने पहले बताई। उसके बाद उसने सडन बोला कि एक दिन मॉर्निंग में मैंने उसे ना तो कस्टम डिल जाते हुए देखा, ना ही मैंने उसे उस बीच ट्री के नीचे देखा, उसका जो फेवरेट ट्री था उसके नीचे भी वो नहीं लेटा हुआ था। फिर अगला दिन भी आया, अगले दिन भी मैंने उसे कहीं भी नहीं देखा, ना किसी रिल के किनारे देखा, किसी नदी के पास देखा, ना लॉन में देखा, ना जंगलों में देखा। मैंने उसे फिर उसके अगले दिन देखा वो फ्यूनरल सॉन्ग के साथ, मतलब जो देह संस्कार जो है आपका अंत्येष्टि में जो गाना गाया जाता है जिसे फ्यूनरल सॉन्ग बोलते हैं, उस फ्यूनरल सॉन्ग के साथ एक ऐसी गाड़ी में जिसमें डेड बॉडी ले जाई जाती है, उस गाड़ी में वो जा रहा था धीरे धीरे चर्च हुए पाथ पे, और हमने उसे वहीं देखा था, और फिर वो उसको इंक्वायरी करने वाले को अप्रोच कर रहा है कि तुम जो है ये जो बड़ा सा कांटों का पेड़ है इसके नीचे एक ग्रेव बनी हुई है, उस ग्रेव पे एक स्टोन लगा हुआ है, उस स्टोन पे उसका इंस्क्रिप्शन उसका एपिटाफ लिखा गया है, उसको तुम रीड करो अगर तुमको पोएट के बारे में और ज़्यादा जानना है तो। तो बच्चों ये जो पोएम है हमारी एलिजी रिटन इन कंट्री चार्ज, ये कंप्लीट हो चुकी है पूरे 10th वीडियो में, फर्स्ट टू 10 वीडियोज़ आप इसके देखें। अब इसका एपिटाफ रिमेनिंग है जो कि मैं आपको एक वीडियो में कभी भी एपिटाफ बना के जो है आपको सेंड कर दूंगी, आप उसको भी देख लेना। पर अभी आप 1 से लेके 10 वीडियो तक इसके रेगुलर देखेंगे तो ही आपको पोएम समझ आएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पोएम है ये, जो कि लाइफ की रियलिटी बताने वाली पोएम है ये। सो आप इसके सारे वीडियोज़ 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप देखें। ये जो पोएम है वैसे तो लिटरेचर के सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट उसके अलावा अभी मैं जिसके लिए वीडियो बना रही हूँ वो BA सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं MDS यूनिवर्सिटी जो अजमेर में है उसके सिलेबस में ये सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर में फर्स्ट पेपर में ये पोएम दी गई है सिलेबस में, तो उसके लिए ये पोएम बनी है। सो स्टूडेंट इस पे ये रिविज़न क्लासेस चल रही थी इसलिए 10 वीडियोज़ बने हैं, बाकी वैसे मैंने इस पे ऑलरेडी आपको एक बार पढ़ा चुकी हूँ एलर्जी रिटर्न इन कंट्री चर्चा। तो आप 1 by 1 सारे वीडियोज़ देखें और एपिटाफ पे हम बात करेंगे कभी इस वीडियो पे। थैंक यू।